हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंटेंट्स। सो गाइस, यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ इडली के लिए, क्योंकि मुझे संडे के दिन इडली बनानी है सुबह। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आज ही, मतलब सैटरडे के दिन ही चावल और दाल जो है वो धो के रख दे रही हूँ, मतलब भिगो के रख दे रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप डेट मतलब मेंशन कर दिया करो, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग के डेट तो मुझे नहीं याद रहती है, बट मैं आपको डे बता दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैं दाल भी धो रही हूँ, मतलब उड़द की दाल, और चावल और दाल जो है वो भिगोने के लिए डाल दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो बर्तन पड़े थे मेरे सुबह के चाय के, तो वो मैं धो रही हूँ। यहाँ पे ना बर्तन, मतलब चाय के हो या किसी की भी चीज़ के, थोड़े से भी बर्तन, मतलब थोड़ा सा भी हमें लगता है कि चाय के बर्तन हैं, बट इतने ज़्यादा बर्तन निकल जाता है, दिन भर बर्तन धोने में ही चला जाता है। मतलब थोड़े 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 बर्तन धोते ही रहती हूँ दिन भर। तो इसी तरह से मैं अभी चाय के भी बर्तन धो लूँगी, और बस उसके बाद थोड़े से और बर्तन थे वो भी धो लूँगी। तो बस मेरे बर्तन भी धोना हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर बर्तन कितने सारे जमा हो गए हैं, तो वो मैं बर्तन सारे लगा दूँगी, ताकि मेरे आगे के बर्तन जो है मैं धो लूँगी जब, तो मुझे जो स्टैंड है वो खाली लगेगा। तो इसके लिए फिर मुझे अभी लगाना होगा, जो भी बर्तन है वो सारे मैं लगा दूँगी अच्छे से। और उसके बाद फिर, क्योंकि हमें जो, मतलब कुछ भी हम लोग काम करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी बच्चे हैं घर में तो बच्चे खाते रहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ, तो बर्तन कितने सारे निकल जाते हैं। बट ना, अगर जमा करके रखो बर्तन तो काफ़ी सारे लगते हैं। अगर आप धोते रहोगे, मतलब जब भी बर्तन निकलते हैं, एक दो या दो चार ऐसे बर्तन निकलते हैं, तो अगर आप मतलब उसे धोते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने सारे बर्तन निकले हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे बर्तन लगा दूँगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे दिन भर का जो भी काम होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे यही लगता है, बर्तनों को अरेंज करना। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही लगता है, बर्तनों को अरेंज करना, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कौन से बर्तन कहाँ रखूँ, कौन से बर्तन कहाँ रखूँ। अरे, और ना इतने सारे बर्तन निकलते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा अरेंज करना, मुझे लगता है कि अरेंज करने के लिए कोई अरेंज करके दे मुझे बर्तन तो अच्छा रहेगा। तो यही काम डिफ़िकल्ट होता है, और यही काम मैं मतलब करना तो पड़ता ही है, जो भी काम है घर के हमें करने तो पड़ते ही है। और आज तो बहुत सारे काम किए मैंने, काफ़ी सारी क्लीनिंग हुई है आज, क्योंकि ये घर पे थे, बच्चे घर पे थे, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है तो माही की भी छुट्टी थी। आज विक्की हर सैटरडे छुट्टी रहती है, तो बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, तो आज काफ़ी सारे काम हुए एक्स्ट्रा के, मतलब जो वीकेंड के जो क्लीनिंग होती है वो हुई है, क्योंकि घर पे अगर ये रहते हैं ना तो खाली बैठने नहीं देते हैं। मतलब हर हस्बैंड का ऐसा है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, बट मेरे हस्बैंड का पता नहीं, मेरे हस्बैंड को भी सफाई का कीड़ा है और मुझे भी, हम दोनों भी वैसे ही है, बट सबसे ज़्यादा, मतलब मुझसे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को सफाई का कीड़ा है। और इसी तरह से वो जब भी थोड़ा सा भी गंदगी दिखती है उन्हें, तो वो खाली बैठने नहीं देते हैं हमें। तो यहाँ पर मैं, अगर एक एक काम अगर हम लोग करते रहते हैं ना घर के, तो हमें पता नहीं चलता है। अगर डेली एक काम करते रहेंगे ना, थोड़ा सा मतलब साफ़ करते रहेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा। और घर की कितनी भी साफ़ सफाई रखो ना, तो भी कम ही है, मतलब कितना भी साफ़ करो तो दिखता ही है हमें, गंदगी थोड़ी सी आगे दिखती है। बट मेंटेन अगर आप घर को रखोगे, मतलब थोड़ा सा आगे जो भी दिखेगा आपको गंदगी, तो आप अगर साफ़ करते रहोगे ना उसे, तो आपका घर मेंटेन रहेगा, मतलब आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं, यहाँ ट्रे दिख गया था थोड़ा सा मुझे गंदा, तो मैं ट्रे भी धो ले रही हूँ। उसके साथ साथ जो अचार की बरनियाँ हैं, उस पर भी हाथ लग जाते हैं हमारे खाना खाने के टाइम, तो वो भी धो ले रही हूँ। मतलब इसके साथ ऐसे, हाँ, बताने का रीज़न ये है, अगर आपको कोई भी काम दिख जाता है आगे थोड़ा सा भी, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं धूल दिख जाती है, तो उसी टाइम आप कपड़ा लीजिए और उसी टाइम आप उसे क्लीन कर लीजिए, तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। एक टाइम में कोई भी काम एक टाइम में करने से ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, और बहुत ज़्यादा लगता है कि हमने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से जब भी मुझे कहीं धूल दिखती है या मुझे कहीं कुछ गंदा दिखता है, तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या किया था कि बेड सरकाया था, थोड़ा सा बेड हटाया था, तो बेड के नीचे ना काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है जमा, और मेरा बेड ऐसा है कि पूरा नीचे तक टच है, तो उसे हम लोग बार बार हिला नहीं सकते हैं।
तो इसी वजह से उसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम लोग झाड़ू मारते हैं या कुछ भी तो धूल बहुत ज़्यादा, मिट्टी या धूल ऐसी काफ़ी ज़्यादा उसके नीचे जमा हो जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो जो है बेड है वो सरकाया था, और उसके नीचे की धूल मिट्टी आप देख सकते हो, पीछे भी काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारी गंदगी जमा हो जाती है। और यहाँ पर अद्विक ने स्पून वगैरह, अद्विक कभी खाता है कुछ करता है तो पीछे स्पून गिरा दिया था उसने, तो वो भी अभी दिख गया है हमें। तो यहाँ पर मैं सभी क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद उसमें पोछा मार दूंगी और बेड क्लीन कर लेंगे हम लोग आज ना। बेड के अंदर का सारा कुछ निकालने वाले हैं और सारा कुछ सुखाने के लिए डालने वाले हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी अंदर रखते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन अंदर रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मतलब कपड़ों की या किसी भी चीज़ की, मतलब गद्दे वगैरह की या किसी भी चीज़ की स्मेल आने लगती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कपड़े भी जो है मैंने धो के रख दिए थे, तो वो मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी अभी। और उसके बाद मैं जो भी बेड के अंदर के जो है गद्दे वगैरह या ब्लैंकेट्स वगैरह या सारे कुछ जो हमारे ओढ़ने की चीज़ें हैं, ये सारे कुछ जो भी हमने उसके अंदर रखा था, वो हम लोग आज सुखाने के लिए डालने वाले हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे से धूप आ रही है और अभी बारिश का मौसम हो गया है। उसके बाद वो वैसे के वैसे ही रहा अंदर, और वैसे भी जब भी हमने धूप दिखती है तो हम लोग गद्दे वगैरह या बाकी के जो भी ऊपर है वो सुखाने के लिए डाल ही देते हैं, बट आज बेड के अंदर का भी आज सुखाने के लिए डालने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से धूप आ रही है, काफ़ी दिनों के बाद अच्छी सी धूप दिखी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा धूप लगा देंगे उसे। और जो बेड का गद्दा है उसे भी हमने सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा, क्योंकि वो ना थोड़ा हेवी है, तो इसी वजह से ज़्यादा हम लोग नहीं डालते हैं बाहर। बट जब भी ये रहते हैं ना, तो ये इनको पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी ऐसा 1 महीने में या 2 महीने में एक बार तो डाल ही देते हैं ये, तो क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा उठाने में हीवी है, तो इसी वजह से दोनों जनों को बहुत कसरत करके बाहर डालना पड़ता है वो। और ये जो गद्दे हैं मैं ला रही हूँ वो बेड के अंदर हमने रखे थे, क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे पतले गद्दे डालने के लिए हो जाता है, कभी प्रोग्राम होता है कभी कुछ होता है तो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे पतले गद्दे हमने बना के रखे हैं, तो इजीली मतलब हम लोग उसे उठा के डाल सकते हैं नीचे। इसी तरह से ये, और ये रज़ाई वगैरह तो हम लोगों ने वहाँ पर ख़रीदी थी, हम लोग पहले यूपी में रहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग बरेली में रहते थे इससे पहले, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसी वजह से ये वाली रज़ाई वहाँ पर ली थी। बट यहाँ पर ना इसका कुछ भी काम नहीं पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती है, इस साल काफ़ी ठंड पड़ रही है, यूपी की जैसी ठंड मुझे इस साल लग रही है, बट महाराष्ट्र में बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती है, मतलब नॉर्मल ठंड रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गद्दे वगैरह, गाड़ी भी नहीं छोड़ी है तो गाड़ी पर भी डाल दिए हैं, यहाँ पर गद्दे सूख रहे हैं, धूप काफ़ी अच्छे से आ रही थी तो गेट भी नहीं छोड़ा है, गेट पर भी डाल दिए हैं ब्लैंकेट्स एंड वो गद्दे वगैरह। तो और यहाँ पर मुझे लगी थी भूख सुबह, इन्होंने ना मैंने जो पालक पनीर बनाया था रात को वो खा लिया था, और मेरे लिए फिर सब्जी नहीं बची थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मेरे लिए सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी थी भूख इतना सारा काम करने के बाद, फिर खाने पे आई तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब रोटियाँ थी, सिर्फ रोटियाँ बनाई थी तो रोटियाँ थी और सब्जी इन्होंने वही खा ली थी, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और फिर अभी मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पर आलू और गोभी काट के रख दिए हैं, टोमेटो और प्याज काट रही हूँ, तो सिंपल सी सब्जी है, मतलब सिंपल सी रेसिपी है, सभी को आती होंगी, बट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिर भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिंपल रेसिपी तो सभी को आती होगी, और आलू गोभी की सब्ज़ी तो नॉर्मल मतलब सभी लोग बनाती ही है, तो बस सिंपल सा तेल डाल दूँगी और जीरा राई, और बस उसमें जीरा राई चटकने के बाद अपना प्याज डाल दूँगी, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद उसे भी अच्छे से चला लूँगी, और बस उसके बाद अपना टोमेटो वगैरह डाल दूँगी, और अपना क्या बोलते हैं उसमें मसाला ऐड कर दूँगी सारे, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर, ये सारे मसाला ऐड कर दूँगी, और टोमेटो ऐड कर दूँगी, और टोमेटो में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी टोमेटो गलने तक, और उसके बाद अपना उसे ढक के रख दूँगी टोमेटो गलने के लिए, और उसके बाद वो जो गोभी और आलू मैंने काट के रखे हैं वो उसमें ऐड कर दूँगी,
और मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड किया है, तो क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है सब्जियों की, और मैं एवरेस्ट के ही सारे मसाले यूज़ करती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस मैं एवरेस्ट के ऐड नहीं कर रही हूँ गाइज, बट मुझे एवरेस्ट के मसाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैं एवरेस्ट के मसाले यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं मेरी जो सब्ज़ी थी बन गई थी, और मुझे लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मैंने अपने लिए परोस लिया, और इन्होंने खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया था, तो इसी वजह से उनको भूख नहीं थी, तो मैं अपने लिए ही परोस रही हूँ, और वो बाप बेटे तीनों भी मस्ती कर रहे थे, तो इसी वजह से उनको खाना नहीं था। और जब भूख लगती है तो बच्चे बीच बीच में ले लेते हैं खाने के लिए, या तो कुछ भी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं बीच में, जो भी उनको चाहिए होता है, तो इसी वजह से उनको तो उनका तो मतलब एक टाइम में नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ, और मेरे साथ ना कोई नहीं रहता है खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे एक तो जब सब खाना खाते हैं उस टाइम भूख नहीं लगती है, जब मुझे भूख लगती है सब लोगों ने खाना खा लिया होता है उस टाइम, तो इस तरह से फिर अभी आज तो मैं अकेले ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि इनको तो सुबह ही खाना मतलब ये खा लेते हैं, तो यहाँ पर खाना हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपना। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कसरत करके यहाँ पर जो गद्दा है वो लाया था, और मुझे इतना काम करने के बाद मेरी कमर भी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी, बट उठाया नहीं जाता है ये वाला गद्दा ना, इतना ज़्यादा भारी है यार, बहुत ज़्यादा भारी है, और मतलब इसको उठाना बहुत ही ज़्यादा कसरत का काम है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा है, अकेले से तो बिल्कुल उठाया नहीं जाएगा, दो जने चाहिए इसको उठाने के लिए, और मतलब डालते कैसे हैं हम लोगों को पता है, और उठा के लाते कैसे हैं घर के अंदर वो भी हम लोगों को पता है, हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, हाँ जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, इस टाइप का काम होता है। और ना ये वाला ब्लैंकेट हम लोगों ने अभी निकाला है, नया ही है, मतलब नया मीन्स ज़्यादा निकालते ही नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा ठंड ही नहीं पड़ती थी यहाँ पर, इसी वजह से ये वाला इतना भारी ब्लैंकेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो अभी निकाला है, क्योंकि ना ये वाला ब्लैंकेट इन्होंने लिया था अगरतला में, ये पोस्टेड थे वहाँ पे, इसी वजह से वहाँ पर लिया था इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, तो ये वाला ब्लैंकेट लिया था। और ना ये वाला ब्लैंकेट न्यू ही है, मतलब उस टाइम यूज़ किया था उन्होंने और फिर घर पे लेके आए थे, तो फिर ना उस टाइम से ये यूज़ ही नहीं होता था, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा भारी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ब्लैंकेट है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट ना यहाँ पर अगर ठंडी के टाइम में लेते थे ना फिर भी गर्मी होती थी, तो यहाँ इसी वजह से यूज़ ही नहीं होता था। इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये भी नई बेडशीट निकाली है मैंने, तो नई बेडशीट डाल दी, उसके साथ ये मैचिंग हो रहा है ब्लैंकेट, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है वो कल लेके आए थे, तो अभी इसे ये गुड़म भी बोलते हैं हमारे साइड में, आप लोगों की साइड में पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है, तो लड्डू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है खाना, मतलब लड्डू में डालना इसे, तो ना ये वाला इसमें थोड़ा सा कचरा रहता है, मतलब कचरा मीन्स थोड़ा सा जो ऊपर का छिलका रहता है, तो वो कभी कभी नहीं निकलता है, तो इसी वजह से वो साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि लड्डू भी बनाने हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर, तो लड्डू मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ, लड्डू मैं कल बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि लड्डू की रेसिपी शेयर करो करके, तो इसी वजह से मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी तो शेयर करूँगी, तो बट उसके लिए प्रिपरेशन ये करना पड़ेगा मुझे, मतलब सारा कुछ वो आज करके रखूँगी मैं, और उसके लिए जो खारीक है उसे भी फोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर के बीज निकालनी पड़ेगी, एक्चुअली वहाँ पर ना रेडीमेड वो था खारीक का जो पाउडर था वो था, बट मुझे ना ट्रस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या मिक्स किया होगा उन्होंने, पता नहीं क्या था, तो इसी वजह से मैं खारीक ही लेके आई हूँ, और उसके पाउडर पे मुझे ट्रस्ट नहीं था, वो बोल रहे थे कि अच्छा है करके, बट नहीं लाया मैंने, और ये खारीक के पैकेट लाया है, और ये गोडम्बी, मतलब गोडम्बी में अभी जो छिलके हैं होते हैं, मतलब कभी कभी वो छिलके रह जाते हैं, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी उसे, नहीं तो वो जो अगर पीसते भी है ना तो वो दांत के नीचे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पत्थर जैसे लगते हैं, तो इसी वजह से वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़े थोड़े ही अगर रह जाता है कभी कभी, मशीन से निकलते नहीं है तो कभी कभी रह जाता है, तो वो निकाल दूँगी मैं सारे अच्छे से, क्योंकि उसका ना बहुत ही अगर थोड़ा सा एक भी रह गया ना तो वो मिक्सी में भी पीसा नहीं जाता है, वो पत्थर जैसे ही आप लोग समझ सकते हो, अगर पत्थर आपके दांत के नीचे आ गया तो कैसे होता है, तो उसी टाइप का वो लगता है, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको मतलब चुनना पड़ता है,
नहीं तो इसका एक भी रह गया ना तो का पूरे लड्डू बिगड़ जाते हैं, मतलब जिस भी लड्डू में आ जाता है ना तो वो लड्डू खाने का मन नहीं करता है, तो इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चुनना पड़ता है इसे अच्छे से। तो ये मैं अच्छे से चुन लूँगी क्योंकि एक दो बार मतलब काफ़ी अच्छे से ध्यान से चुनना पड़ता है, तो इसी वजह से ये कर लूँगी। उसके बाद जो खोबरा है तो उसे भी काट लूँगी और बाकी के जो भी काम है मतलब उसके वो कर लूँगी। और वहाँ यहाँ पर मेरी इलायची भी ख़त्म हो गई थी, लौंग भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैं कल लेके आई हूँ सामान में, तो वो भी मैं ऐसे यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये अमेज़ॉन से मैंने बर्नियाँ ली थी, तो मैं इसमें ऐसे छोटे छोटे इसमें डाल के रख देती हूँ। तो अभी मैं सारे पैकेट्स खोल रही हूँ, मतलब जो सामान है सारा वो कल का निकाला नहीं था मैंने, रात हो गई थी तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही रहने दिया था। तो अभी वही मैं अरेंज कर रही हूँ अपनी जगह पे, सारी चीज़ें निकाल के अपनी जगह पे रख रही हूँ। और यहाँ पर ना गोडम्बी भी मैंने वो चुन के रख दी थी और खारिक भी फोड़ के रख दी है यहाँ पे, और जो खोबरा है वो मैं कल करूँगी। अभी बाकी का पूरा मतलब काफ़ी सारा काम हो गया है आज, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है आज हमारी, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही है। तो मैं आज नहीं करूँगी ये लड्डू का काम, या तो मैं रात को करूँगी खाना खाने के बाद, नहीं तो फिर डायरेक्टली कल करूँगी। तो मैं आपके साथ रेसिपी तो इसकी शेयर करूँगी ही, लड्डू की रेसिपी, बट बाकी का जो प्रिपरेशन है मैं कल करूँगी क्योंकि इसमें ही ज़्यादा टाइम निकल गया और क्लीनिंग में काफ़ी सारा टाइम निकल गया। वो जो हमने गद्दे वगैरह सुखाने के लिए डाले थे वो भी सारे मैंने वो कर दिए, मतलब अरेंज कर दिए अपनी जगह पे। और इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, बच्चों ने भी, मतलब बच्चों ने मीन्स माही ने हेल्प की, अद्विक तो ज़्यादा की ही काम करता है। गाइस अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेरी ग्रीन टी बना ली है मैंने, क्योंकि मुझे आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। क्लीनिंग 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 ही चल रही थी आज सुबह से, तो इसी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टी ले लेती हूँ, मैंने आज सुबह से ग्रीन टी भी नहीं ली थी, तो यहाँ पर मेरी ग्रीन टी बन के रेडी है। और मैंने ये भी बना लिए हैं यहाँ पे, रोटियां भी बना ली है, मतलब ये बाजरे की रोटियां बनाई है, बाजरे की नहीं है ये, मिक्स रोटी है सारी, मतलब बाजरी, ज्वारी और नाचनी और ये सारी चीजें मैंने इसमें मिलाई है, फ्लैक्स सीड्स वगैरह सारी चीजें। और वो मैंने आटा मतलब चक्की से पीस के लाया था और उसकी रोटी आज बनाई है। मतलब अभी ठंड के मौसम में ऐसी रोटियां खाना मतलब अच्छा रहता है बोलते हैं सेहत के लिए, तो इसी वजह से हम लोग अभी ये रोटियां खाने वाले हैं। तो और हाँ, मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ ये वाले जो दाने हैं इसकी सब्जी, तो ये वाले दाने ना मम्मी ने दिए थे निकाल के। मैं उस दिन जब मम्मी के यहाँ पे मतलब मैं मायके गई थी, खेत में भंडारा था उस दिन, तो उस दिन मम्मी के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गए थे मतलब उधर से आने के टाइम, तो मम्मी ने ये वाले दाने निकाल के रख दिए थे, तो ये वाले मेरे साथ दे दिए थे क्योंकि मैंने फलियां वगैरह तोड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे दाने निकालना बहुत ही जान पे आता है, तो इसी वजह से मम्मी को पता है कि आलस कर दिए करके ये, तो इसी वजह से उसने ना घर के जो फ्रिज में दाने पड़े थे मतलब उसने निकाल के रखे, तो वो सारे दाने मेरे पास मतलब दे दिए थे। तो अभी मैं उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि मेरे पास दाने बहुत सारे हैं और थोड़े से ही दाने लगते हैं मतलब सब्जी के लिए, तो इसी वजह से मैं आज भी बनाऊंगी और एक दो बार और बनेगी। तो इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए हो इस दाने की सब्जी की, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मेरी ले लेती हूँ मैं ग्रीन टी, क्योंकि आज सुबह से ना जब से नहाया है मैंने तब से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और तब से फेस पे भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, ऐसे ही मैं सुबह से काम ही कर रही थी। अभी जाके फ्री हुई हूँ और सभी मतलब अभी काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे। यहाँ पर पीछे आया है अद्विक, अद्विक को सिर्फ आलू की सब्जी बना के देनी है, वो भी आलू मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं, और मैंने मेरी ग्रीन टी बन गई थी तो आलू की सब्जी अभी बना के देनी है अद्विक को, क्योंकि वो कब से जिद कर रहा था कि आलू की सब्जी खानी है, क्योंकि जो सुबह सब्जी बनाई थी आलू गोभी की वो खत्म हो गई थी और थोड़ी सी तीखी बनी थी, तो इसी वजह से उसको नहीं चाहिए, मतलब थोड़ी सी थी तो उसको दी थी मैंने, तो तीखी बनी थी बोल रहा था, तो इसी वजह से मैं सोचा चलो उसके लिए आलू की सब्जी बना देती हूँ, तो उसी के लिए मैंने आलू काट के रखे हैं। तो चलिए मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करती हूँ और इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से अगर कोई मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और अद्विक यहाँ पर बाय बाय कर रहा है नीचे, तो
आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट बाय कर दो, बाय बाय। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।